नुकुआ साहब आज इसी हालत में आप पड़े हुए, ना आपका मित्र, ना माइट्रे, ना दोस्त, ना अजीज। आज मुझे मौका मिला, मैंने बोला मैं अपने साहब से मिलने जाऊं। साईं से मिलने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था मुझे। साईं आप इधर पड़े हुए। साईं मुझे बड़ा अफसोस है, आप तो बड़े बड़े बंगलों में होते थे, बड़ी बड़ी आपकी गाड़ियां होती थी। याद है साहब, मेरी बकरियां चोरी हो गई थी, मैं आपके पास आया था, आपके जो प्रोटोकॉल वाले थे उसने मुझे नहीं छोड़ा था। साहब ये आपकी कौन सी हालत हो गई है? आप तो बड़े स्टूडेंट वाले थे, आप तो कलम चलाते थे, आपकी तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, आप तो बड़े काटनों के सूट में घूमते थे, आपका शूज भी इतना बड़ा था, आपके तो पीछे पता नहीं आवाम होती थी, आपके पीछे लोग मरते थे, आपके पीछे बच्चे मरते थे। आज आप इतने से छोटे से घर पे बैठे हुए हैं। साहब आपका पैसा कहाँ चला गया? साहब आपका बंगले कहाँ चले गए? साहब आपकी गाड़ियां कहाँ चले गई? आपकी जमीन कहाँ चले गई? साहब मैं तो परेशान हो गया हूं। आपको याद है वो इलेक्शन के दौरान में आपके ऑफिस में आया हुआ था, मेरी 3 बकरियां और 2 गायें, मेरी बाइक चोरी हो गई थी, और आपके तो प्रोटोकॉल वाले थे, उन्होंने तो मुझे छोड़ा ही नहीं था। अफसोस की बात है साहब। साहब आपको पता है जब हम आपसे मिलने के लिए आते थे तो आप मुझे देखते भी नहीं थे। साहब आपको याद है जो अपन पहली क्लास से पढ़ते थे, ओ मैट्रिक तलक कितनी शरारत करे। साहब जब आपके पास पैसा आ गया था, आपके पास बंगले आ गए थे, आपके पास गाड़ियां आ गई थी, आपको ड्यूटियां मिल गई थी, आप बड़े एमपी एमएनए हो गए थे। साहब मुझे बड़ा दुख हुआ साहब। आज इसी हालत में आप पड़े हुए, ना आपका मित्र, ना माइट, ना दोस्त, ना अजीज। जब आप मर गए, आप इस दुनिया से चले गए, तो दुनिया आपके पास आई थी। अब तो आपके पास कोई भी पूछने नहीं आ रहा साहब। अब वो आपका प्रोटोकॉल कहाँ चला गया साहब? वो आपकी गाड़ियां, आपके बंगले, आपकी जो आपको जो जब वधाई होती थी, आप काटन के जोड़े पहन करके चलते थे, बड़ी घड़ियां पहन के, वो साहब आपका कहाँ सामान चला गया साहब? मुझे बड़ा दुख हुआ साहब। साहब तू तो मेरा बड़ा पुराना मेरा दोस्त था साहब। ये देखो कितनी दुनिया तुम्हारे से ज्यादा, उनके बंगले थे, गाड़ियां थी, बड़े वो कलम चलाते थे, कोई जज था, कोई आईजी था। आज मुझे मौका मिला, मैंने बोला मैं अपने साहब से मिलने जाऊं। साहब जैसे कि वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप देख सकते हैं अंदरूनी सिंध में, पाकिस्तान में आज की जो वो कहता है कि मेरी ज़ात ये है, ये ज़ातें बातें अभी पैदा हुई है, मुसलमान भाई है, पूरी दुनिया आप देख सकते हैं कितनी है। जैसे कि गरीब आवाम, गरीब बंदे जो हम हेल्प लेने जाते थे बड़े बड़े लोगों के साथ, और उसके बाद जो हम बोलते थे साहब हमारे को ये चाहिए, तो वो आज वो देखो किसी हाल में पड़े हुए हैं, कोई इनों का किसी का नहीं है। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं,
आप कुछ जो भी काम किया करें आप सोच समझ के किया करें, और लाजमी है मौत बरहक है, और लाजमी है माँ के पेट में से निकलते हैं और दूसरी माँ के पेट में हम जाते हैं। तो असली जो हमारा अपना घर है, असली घर वो ये है। तो आप ऐसा काम करें जिसमें खुदा भी राजी हो, रब भी राजी हो, अल्लाह भी राजी हो, और जो बड़े बड़े लोग करोड़पति बंदे जो गाड़ियों में पिजारों में घूम रहे हैं, जो गरीब बंदा जिसकी टांग नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, उसको 10 रुपए देने के लिए भी मौत आ जाती है। बेशक हम गरीब बंदे हैं और गरीब बंदे हैं, हमारे को एहसास आता है कि हम किसी गरीब को 10 रुपए देते हैं, गरीब की दिल खुश हो जाती है। तो हमारी वीडियो बनाने का मतलब ये था। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ हमारा यही मैसेज आगे भी पहुँचाना। ये आप देख सकते हैं करोड़ से ज़्यादा कब्रिस्तान है। तो आप ऐसा काम करें जिसमें रब भी राजी हो और आपके घर वाले भी राजी हो। लाजमी मरना तो है, एक दिन कभी ना कभी मरना है। तो मेहरबानी करके हमारी हम हाथ बांध के गुजारिश करते हैं, काम ऐसा करें जिसमें आपकी इज्जत भी हो और जब आप मरने के बाद आपको लोग याद भी करें। जैसे कि आप देख सकते हैं दुनिया पड़ी, गरीब का काम कोई भी आपके पास आए, आप बराए मेहरबानी करें प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी बात सुनें। अगर आप उनकी गरीब की बात सुनोगे तो रब भी उसमें भी राज़ी होगा, रब भी आपकी बात सुनेगा, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। और जद में जब ये मेरे हाथ है और मैं हाथ बांध के करता हूँ कि ये मेरी वीडियो जितना हो सके आप आगे पहुँचाएँ, सबसे ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। और आजकल के जो लोग ये प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं उनको मौत ये ज़रूर याद आ जाए।